अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय इकाई का गठन किया गया, जिसमें अरुण बरमोरी को अध्यक्ष तथा भरत शर्मा को इकाई सचिव चुना गया। 2020-21 इकाई की घोषणा विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला द्वारा की गई, जिसमें अंकिता तमन्ना, नितेश आशीष, आदित्य तथा सौरभ सैनी को उपाध्यक्ष चुना गया और सुधा, हरीश, सौरभ, आशीष, लता तथा नितेश, रोहित ठाकुर को सह सचिव चुना गया। दीक्षा को स्टूडेंट फोर्स सेवा प्रमुख तथा विशाल स्टूडेंट फोर्स सेवा सह प्रमुख चुना गया। शिल्पा को SFD प्रमुख स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, सुधांशु को SFD सह प्रमुख चुना गया। शालिनी MBA विभाग प्रमुख, श्रेया MCA विभाग प्रमुख, सोनिया कला मंच प्रमुख तथा अक्षय कला मंच सह प्रमुख, ज्योति सोशल मीडिया प्रभारी और शुभम सह सोशल मीडिया प्रभारी, ऋषभ को सुनील उपाध्याय रक्तदान सोशल मीडिया संयोजक, वंदना MBA टूरिज्म कक्षा प्रमुख, पारुल MBA कक्षा प्रमुख, अनामिका MSc फिजिक्स कक्षा प्रमुख, दिव्यांग BHM कक्षा प्रमुख, आकाश MSc एनवायरमेंट कक्षा प्रमुख, अतुल MCA फर्स्ट सेमेस्टर कक्षा प्रमुख, विवेक गुप्ता MBA फर्स्ट सेमेस्टर कक्षा प्रमुख, प्रिया MSc एनवायरमेंट फर्स्ट सेमेस्टर कक्षा प्रमुख, शुभम MBA टूरिज्म फर्स्ट सेमेस्टर कक्षा प्रमुख चुने गए। इकाई संगठन के मौके पर विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थी परिषद पिछले 2 वर्षों से लगातार हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर आंदोलन करती आ रही है, जिसमें कि बढ़े हुए शुल्क की वापसी तथा स्थायी परिसर में कक्षाओं को शुरू होना विद्यार्थी परिषद की एक बड़ी जीत है। और नव नियुक्त इकाई अध्यक्ष ने नव इकाई गठन के मौके पर कहा कि आने वाले समय में भी विद्यार्थी परिषद ऐसे ही छात्र हित तथा राष्ट्र हित में कार्य करती रहेगी। नमस्कार, मैं अरुण भरमोरी, इकाई अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय। आज 18 दिसंबर 2020 के दिन हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की नव इकाई का गठन किया गया, जिसमें कि मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। और आने वाले समय में जो भी मांगे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में निलंबित पड़ी हैं, जैसे स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति, वह विद्यार्थियों के लिए सब्सिडाइज व नॉन सब्सिडाइज सीटों का निवारण करना, ऐसी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आवाज उठाएगी। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि नागपुर में होने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और ये एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है।